अगर आसाराम बापू को नहीं छोड़ा गया तो होगा बड़ा अनशन। कथित यौन शोषण के मामले में आसाराम बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल में बंद हैं, लेकिन उनको एक बार भी बेल नहीं मिला। आसाराम बापू कई बार जेल के अंदर बीमार भी हुए, लेकिन उनको इलाज के नाम पर कुछ दिनों का बेल नहीं मिला। हालांकि उनके वकील काफी प्रयास कर रहे हैं, सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, लेकिन बेल नहीं मिल पा रहा है, और बेल कब मिलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। अब आसाराम बापू के समर्थकों में इस बात को लेकर काफी रोष भी है। हैदराबाद से लेकर गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में बापू के समर्थक अनशन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पर बड़े बड़े लोगों का साथ भी अब बापू के समर्थकों को मिल रहा है। उनके कई भक्तों का कहना है, जब बड़े बड़े केस में दूसरे लोगों को बेल मिल गया तो बापू को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? ये सरकार की साजिश है और अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बापू को बाहर लाने के लिए देश भर में अनशन करेंगे, सरकार को घेरेंगे। आसाराम बापू जी को जेल से बाहर करना ही होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आसाराम बापू को कोरोना भी हो गया था। इसके इलाज के बाद वे स्वस्थ हो गए थे, लेकिन फिर एक बार उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद जोधपुर एम्स में उनका इलाज हुआ और कल यानी 30 जून को इलाज के बाद फिर उनको जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पहले ट्विटर पर आसाराम बापू के भक्तों ने ट्रेंड भी करवाया था कि एक जैसे केस में एक्टर को बेल और संत को जेल। आसाराम बापू के समर्थन में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी आवाज उठा दिया है। कथावाचक देवकी नंदन भी आवाज उठा चुके हैं और यति नरसिंहानंद सरस्वती तो आसाराम बापू को जेल भेजने में सोनिया गांधी की साजिश बताया है। हर तरफ से आसाराम बापू को जेल से रिहा करने की मांग उठ रही है। अब आगे देखना होगा कब आसाराम बापू जेल से रिहा होते। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।